आपका सुनाइए क्या हाल आप चाल। बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे जो आपको दिया था, जो आप लोगों ने भेजा नहीं मुझे मोबिन जी। तो इस क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन था कि मुझे इन नंबर्स को आपस में सम करना है, राइट? जी यस सर, सर। देखिए सबसे तो पहले हम मैं इसके लिए चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे हम देते हैं एस एम एन के नाम से, एस एम एन, ठीक है, सम नंबर, और एन एज ए हम यहाँ पे वे लॉन्ग दे देते हैं। इसके बाद यहाँ लगेगा फोर आई इक्वल टू चले 1 2 लेन, जितना डिजिट है उतना चले, ठीक ओके है। और यहाँ पे नेक्स्ट, रिजल्ट पे करते हैं डिम आर एज ए लॉन्ग, यहां होगा आर इक्वल टू आर प्लस, यहां पे देते हैं वैल, जी। वैल में देते हैं मिड, मिड में हम देते हैं एन कॉमा आई कॉमा वन, बस सिंपल है। अब बोलेंगे क्या है सर, क्या इसमें है, क्या आखिर इसका लॉजिक क्या है, समझ में आया कि नहीं सर? मिड क्या कर रहा है, देखिए क्या होगा इसमें से कि मिड फॉर्मूला लूप चलाएगा, ठीक है ना, कितना लूप चलाएगा, पहले इसका लेंथ काउंट करेगा, इसका लेंथ काउंट करेगा कि भाई इसका लेंथ कितना है, तो 7 है, मतलब 7 बार लूप चलेगा, ठीक है। तो पहले बार में क्या होगा, मिड, मिड में हम यहाँ पे दिया कॉमा 1 कॉमा 1, आई 1 है, 1 निकला, ठीक है। वापस मिड चलेगा तो क्या निकलेगा, 2 कॉमा 1, 4 निकला, और आर इसको प्लस करते जा रहा है, तो वापस मिड ये चलेगा और इस पे हो जाएगा 3 कॉमा 1, फिर आर इसको अपने में प्लस कर लेगा, जो होगा वो रिजल्ट होगा, समझ में आया आपको? तो एक एक लेटर को अलग कर रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं। इसमें वैल क्यों लगाया, क्योंकि मिड फॉर्मूला टैक्स रिटर्न करता है, तो उसको नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया, यस समझ गए? यस सर, यस सर। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी की तरह है। क्या करना है मुझे, इनको आपस में ये लगाना है, जैसे कि मान लीजिए सुजीत हमने लिखा ना, मैं सबने सर सुजीत, इसमें एस डैश यू डैश जे डैश ई डैश ई, ये जो क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन बनाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन का उसका प्लॉट हो जाता है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, मैंने कुछ ऐसा ही दिया था, ये हो जाएगा सर। आई एन डैश डी एस, एन डी एस के नाम बनाया एन एज ए स्ट्रिंग, राइट। अब इसमें होगा डिम आर एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी रिजल्ट स्ट्रिंग में आएगा, और आई इक्वल टू चले 1 2 की क्या होगा लेन एन, ठीक है। और ये जो हमने यहां पे आर प्लस दिया हुआ है ना सर, यस आर प्लस नहीं होगा इसमें, एंड होगा एंड डैश एंड, और इसमें वैल देने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यस यस फिर आई एन डी एस इक्वल टू आर, इसलिए कि इसमें प्रॉब्लम है सर, देख क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ आपको, एस क्या था फॉर्मूला नेम, आई एन डी एस, उसमें वो फॉर्मूला के अंदर वो स्टार हो गया है।
या मिड, हाँ वो एंड। प्रॉब्लम है, एक एक रिजल्ट गलत आएगा, थोड़ा सा गलत आएगा, जैसे पहले डैश लगा दिया। पहले डैश क्यों लगा? हाँ, क्योंकि पहला आर जो है वो जीरो हो रहा है। हाँ, आर शुरुआती में आर तो ब्लैंक ही होगा ना, ब्लैंक ब्लैंक हो रहा है, तो मतलब इसलिए पहला क्या डैश आ करेंगे, रहा इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला राइट का, राइट, और हमने यहां पे दिया लेन आर। आपके बनाया लेटेस्ट कॉल है प्लीज। -1 ठीक ये फॉर्मूला क्या कर रहा है? है। राइट में से आर को, लेन टोटल लेन में से आर को अलग कर रहे हैं, और नहीं, सोचिए सोचिए क्या कर रहा है फॉर्मूला। राइट में से -1 कर रहा है ना? जी हाँ, हमने क्या बोला कि राइट से उठाओ एक, इसकी लेंथ से कम, क्योंकि इससे पहले डैश लगा हुआ था ना एक, तो हमने बोला भाई एक छोड़ के बाकी सब राइट से उठा लो, समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 सुजीत लिखा हुआ है, ठीक है ना सर, तो मुझे 1 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ राइट का फॉर्मूला लगाया और बोला 5 अलग कर दो, तो राइट से 5 अलग करेगा ना, जी यहाँ 6 है, 6 अलग किया, बट 6 मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि भाई इसकी लेन को लो, इसमें से -1 कर दो, समझे? ओके ओके क्वेश्चन में इस पे आते हैं, ये मैंने बता ही रखा है आपको। हाँ, एस्ट्रा को, हाँ ये बताया था सर। इसको कर दीजिएगा, फिर भी आपने नहीं किया। इसमें आता है सम ओनली एवरी थर्ड डेटा, बोलिए सर सम ओनली थर्ड डेटा, सम एवरी थर्ड डेटा, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन था सर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन सम डी, ठीक है, S3D कर दिया हमने यहाँ पे, रेंज, ठीक है ना, और थर्ड को अभी भी आप बाद में लगा लीजिए, फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको सर। अब यहाँ पे लिखेंगे डिम आर एज ए रेंज, क्योंकि इसमें रेंज ले रहे हैं, इसमें लगेगा 4 इंच, क्योंकि 4 इंच लगाना है, 4 इंच आर इन, ठीक है। यहां पे हम देते हैं काउंट के लिए डी सी एज ए, और यहां पे डिम ऑल्सो एज डबल, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस भी हो सकता है ना सर, इसलिए। अब यहां पे हम सी इक्वल टू सी प्लस 1, और इफ सी इज सी मोड बाई 3 दैन, के इक्वल टू के प्लस आर डॉट वैल्यू, एस डी डी इक्वल टू के, एक बार देख लीजिए, यहां पर लगाया फॉर्मूला S3D, और हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए,
मोड थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है सर। अरे कुछ समझिए क्या है, हमने रेंज लिया, आपने पूरा डेटा ले लिया, ठीक है ओके। अब फोर इंच लगाना है तो हमें एक वेरिएबल रेंज तो चाहिए चाहिए। हमने बोला जितना रेंज लिया हर एक सेल में जाओ और सबसे पहले एक ऐड कर दो, क्योंकि मुझे हर थर्ड का चाहिए ना, तो इसमें जितना सेल पे जाएगा उतना नंबर इस पे डालता चला जाएगा। अब यहां पे है सी मोड थ्री, समझ रहे हैं, सी मोड थ्री। मोड क्या करता है, मोड जैसे मान लीजिए कि अगर ए फाइव होगा ना सर, इसको थ्री से डिवाइड करेगा, टू नहीं वन होगा, वन थ्री, यहां पे आया वन। वन क्या है, सेल्स पर, मतलब कि इसको मोड कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगेगा ना। हाँ। ये मोड निकालता है, तो मान लीजिए सिक्स है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सिक्स होगा तो यहाँ पे तो इसका सिक्स आएगा ना, तो मोड तो जीरो हो जाएगा। हाँ। तो मैंने वही दिया कि हमने तीन से डिवाइड करिया और बोला कि जिसका मोड जीरो है, हमने सी मोड थ्री, तो सेल्स पर निकालेगा। अगर जिसका सेसफल जीरो है, इसका मतलब है वो तीन का मल्टीप्लेक्स है, मतलब कि हमें उसी सेल का डेटा चाहिए, समझ गए? ओके। यहाँ पे k प्लस r डॉट वैल्यू एंड इफ नेक्स्ट, और यहाँ पे आपका आ गया एस थ्री डी, समझ गए? ठीक है, यस सर। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बताया, आप तो एक दो क्वेश्चन तो आप करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें यूनिक डुप्लीकेट काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये छोटी कैलेंडर नहीं बनेगा, हटा दीजिए नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 है, 11 है, 10 10 है, तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे तभी होगा ना। इतने दिन से फाइल दे रखा हूँ, आप लोगों ने एक बार फाइल खोल के भी नहीं देखा है सर। अब चलो मान लीजिए होमवर्क को है इसलिए आप इतने टाट मटोल कर रहे हैं, अगर ऑफिस का काम होता तो क्या करते हैं? उसको देख लीजिए साथ में, मैं आपको जो है एक रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं सर। ओके सर, ग्रुप में डाल देता हूं। हाँ। रिकॉर्डिंग है कस्टम डायलॉग बॉक्सेस का। अभी जो टॉपिक हमारी है वो स्टार्ट होने वाली है इसकी यूजर फॉर्म की, तो यूजर फॉर्म का जो पहला टॉपिक आता है वो आता है डायलॉग बॉक्सेस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं उसका वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने डाल दिया है इस पे लिंक ग्रुप पे, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर गलती करते हैं तो गलती भेजिए ताकि पता तो चले कि आप प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पे आप दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं